आई एंड फिल्मी गैन एंड विथ मी इज ओमकार कपूर सर. सर व्हाट इट इज बीइंग पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, बहुत ही सेंसिटिव और यू नो इमोशनल क्वेश्चन जुड़ा है इसके कंटेंट से, तो क्या कहना चाहेंगे, कितना प्राउड फील कर रहे हैं इससे जुड़ के आप? मैं एक्साइटेड भी फील कर रहा हूँ, मैं नर्वस भी फील कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे फाइनली ये फिल्म अब दर्शकों तक आ रही है और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें, बिकॉज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है इस फिल्म के थ्रू हम कहना चाहते हैं. तो जितने ज़्यादा लोग देखेंगे मुझे लगता है उतनी ज़्यादा कामयाब होगी. सलमान सर के बहुत बड़े फ़ैन हैं, सलमान सर जो सोशल वर्क के लिए काफ़ी जाने जाते हैं, उनसे कितना इंस्पिरेशन लेते हैं रियल लाइफ में? ये तो रियल लाइफ की बात हो गई, समाज के प्रति जो जिम्मेदारी होती है किसी आम इंसान की वो कितना ज़रूरी होता है? बहुत ज़रूरी होता है. आई थिंक मुझे लगता है हर इंसान को की एक कुछ सामाजिक जिम्मेदारियाँ होती हैं जो हर इंसान को काफ़ी हद तक निभानी चाहिए. तो आई थिंक सलमान सर जैसे बहुत सोसाइटी के लिए करते हैं, उनका फाउंडेशन है बीइंग ह्यूमन, उसके थ्रू करते हैं. मैं चाहता हूँ कि किसी दिन भगवान मुझे उस मुकाम तक पहुँचाए जहाँ मैं भी अपना एक फाउंडेशन शुरू कर सकूँ. प्यार का पंचनामा काफ़ी स्पेशल फिल्म रहा है, एक यू नो कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो फ्रेंडशिप कोशन भी है वो अभी तक सस्टेन कर रहा है अच्छी तरीके से. कितना कंपटीशन रहता है फ्रेंड्स सर्किल में जब आप आगे बढ़ते हैं, उसके बारे में बताइए. कंपटीशन आई थिंक हर फील्ड में होता है. एज एन एक्टर आई थिंक मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छी कहानियाँ करूँ, अच्छी फिल्में करूँ, अच्छे मेकर्स के साथ काम करूँ. तो आई थिंक कॉम्पिटिशन तो रहता ही है, बट जैसे वो कोई स्पोर्ट हो जाए, कोई एंटरटेनमेंट फील्ड हो जाए, कोई भी फील्ड हो जाए, तो आई थिंक वो तो रहता ही है. सोहेल सर के साथ एक फिल्म आने वाली थी, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे क्या उसका मतलब? जी नहीं, वो बहुत पहले की बात है कि वो फिल्म मतलब अभी तक चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई हैं उस फिल्म पे, बिकॉज कहानी अभी भी शायद पूरी तरीके से बनी नहीं है. बट कुछ और फिल्में भी हैं जो अब मेरी लाइंड अप है. लास्टली ये जानना चाहूँगा कि एक्टिंग आपके लिए नई चीज़ नहीं है, बचपन से एक्टिंग कर रहे हैं और कामयाब है, मतलब बचपन से ही कामयाब है, ऐसी बात नहीं कि अभी आप कर रहे हैं. लेकिन जब चाइल्ड आर्टिस्ट की बात करो, आपके अलावा कई चाइल्ड आर्टिस्ट हैं, कुछ सक्सेसफुल हुए कुछ उतने सक्सेसफुल नहीं हुए, जब आप बच्चे से बड़े बनते हैं और एक्टिंग परस्यू करते हैं तो कितना सस्टेन करना मुश्किल होता है? आई थिंक सस्टेन करना किसी भी एक्टर के लिए बहुत मुश्किल होता है. खैर मेरी जर्नी क्योंकि बचपन में मैंने यू नो एक जर्नी रही थी, तो दोबारा मेरी शुरुआत पंचनामा 2 से हुई और आई थिंक अभी भी शुरुआत, मतलब मुझे लगता है मैं अभी भी शुरुआत ही कर रहा हूँ एक्चुअली में. तो एक्चुअली और इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं या इन स्क्रिप्ट जी? दो फिल्में मेरी और बन के रेडी हैं जो अब जिनका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, बट मैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा. मैं चाहता हूँ कि उनकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स आ जाए, उसके बाद ही मैं आपसे शेयर करूँ और ऑडियंस से शेयर करूँ. थैंक यू.